करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अभिनेता संग्राम सिंह पटेल। और बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग के बीच भोजपुरी के जाने माने गीतकार श्याम देहाती जी हम लोग के बीच आज नहीं है। बहुत ही कष्ट हुआ। मैं गोंडा गया हुआ था, हमारे पीआरओ अरविंद मौर्या जी साथ ही में थे, क्योंकि वोट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, एक वोट इनका नहीं पड़ता। उस वोट को दिलवाने के लिए मैं आज इनके साथ हूँ। हमसे कहे भैया चलिए, तो मैं गया वोट दिलवाने। लेकिन वहाँ पर जब मैं पहुँचा वोट तो इनका पड़ा, उसके बाद ही जब खबर मुझे मिली बहुत ही कष्ट हुआ। भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा गीत लिखा और भोजपुरी को नया पहचान दिलाया। बहुत कष्ट हुआ कि आज हम लोग के बीच आज वो नहीं है। किस मन से कहूँ, मन बहुत ही दुखी है। आज कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आप लोगों से यही निवेदन भी मेरा है कि आज सच्ची श्रद्धांजलि श्याम देहाती जी की हमारे यही होगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और दूरी बनाए रखें। क्योंकि कोरोना से आज मैं देखता हूँ दिन में मोबाइलों में तमाम अपने नज़दीक से नज़दीक लोग चले जा रहे हैं। आज श्याम देहाती जी, क्योंकि भोजपुरी ने उन्होंने भोजपुरी में एक नया उन्होंने आयाम लिखा। आज खेसारी भाई हो, पवन सिंह जी हों, रहुआ हों, सबके लिए हो, हमारे लिए भी गाना लिखा उन्होंने। अभी हमारे इस नचाए बीज बाजार आ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने गाना लिखा। बहुत ही कष्ट हुआ। आज हम लोग के बीच में एक भाई चला गया, भोजपुरी के लिए दिन रात एक किए रहते, नाम करके गए हैं भोजपुरी में, लेकिन आज भोजपुरी को तो कमी महसूस हो रही है। क्योंकि भोजपुरी जगत हमारा एक छोटा सा है और ऐसे भाई को खो देना बहुत ही दुख की बात है। मन बहुत ही विचलित है। कोई ऐसा उम्र भी नहीं था, अभी क्या उम्र थी उनकी, कोई उम्र नहीं थी। आज बहुत हतप्रभ हूँ मैं, किस उम्र में चले जाना इतना कष्ट होता है। लेकिन चलिए, कम उम्र में ही उन्होंने नाम किया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कम उम्र में शरीर छोड़ा था और पूरी दुनिया में नाम किया। हमेशा नाम के लिए ही आदमी मरता है। और ये तो नश्वर संसार है, यहाँ किसी को रहना नहीं, देश वीराना है। बहुत लोग इसी दुनिया को ही अपना सारा संसार समझ लेते हैं, गलत है। हमेशा नश्वरता का बोध होना चाहिए, तो आपसे कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं। यही चीज देखना चाहिए कि आए हैं सो जाएंगे और राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बधे जंजीर। आज दुनिया एकदम तबाही के उस पर है। मौत का मंजर देख रहा हूँ टीवी पर, मोबाइल पर, बहुत ही कष्ट हो रहा है। क्या बताएं। और हम जो भी आया इस धरती पर, संत महात्मा नाम करके गए हैं, नश्वरता का बोध बहुत जरूरी है इस धरती पर। यहाँ किसी को रहना नहीं है, कुछ ऐसा काम करके जाइए कि पूरी दुनिया याद रखे आपको। मैं संग्राम सिंह पटेल 24 घंटा इस चीज को याद रखता हूँ। हंसी खुशी रहता हूँ, सब कुछ रहता हूँ, नाम के लिए मैं मर रहा हूँ। ऊपर वाली की दया से सब कुछ है मेरे पास। आज फिल्म लाइन भी है, मैं अगर भोजपुरी पे काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ,
डॉक्टर संग्राम सिंह पटेल, लेकिन अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने डॉक्टर नहीं मैं लिख रहा हूँ, इस समय नाम बड़ा लंबा पड़ जाता है, संग्राम सिंह पटेल है इसी नाते लिखता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए, कोई लिख रहा था। आज डॉक्टर होने के नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ज्ञान दें। अभी हमने कहा कि यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है, प्रेम का पाठ, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें आप लोग, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार है, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। प्रेम का पाठ पढ़िए, लड़ने झगड़ने इसी धरती पर मैं देखता हूँ, गांव में देखता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लोग लड़ाई झगड़ा आपस में सब कुछ चले जाते हैं, लेकिन अभी शरीर से निकल गया ईश्वर, ये जो स्वर चल रहा है यही ईश्वर है। अगर अभी यही शरीर से निकला तो घर वाले ले जाके आग पानी मिट्टी में डाल देते हैं। किस बात की लड़ाई झगड़ा, किस बात का घमंड, दो ही मिनट में घमंड भगवान चूर कर देता है। अच्छा काम करिए, प्रेम मोहब्बत से रहिए, आज हमारा यही संदेश है, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहिए, लड़ाई झगड़ा मंदिर मस्जिद, इबादत करने वाले अगर ना रह जाएं तो इबादत गिरोहों का भी कोई वजूद नहीं रह सकता है। आज इंसान के ही बदौलत भगवान को भी पूजते हैं लोग, अगर यही इंसान ना रह जाए धरती पर तो भगवान को भी नहीं पूजने वाला, इंसानियत बहाल होना चाहिए। पोती परिपर जग मुआ पंडित भया न कोय, वो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कुछ ना आप पढ़िए सिर्फ प्रेम का पाठ। हमारा ये संदेश रहता है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, क्योंकि ये नश्वर संसार है, यहाँ सिर्फ नाम ही। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आज श्याम देहाती जी का भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम है, उन्होंने अच्छा संदेश दिया, अच्छा गाना लिखा, तो आज उनका इस इंडस्ट्री में नाम रहेगा, जब तक भोजपुरी समाज रहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगी तब तक श्याम देहाती जी का नाम रहेगा। तो जो जिस क्षेत्र में रहे उसमें नाम करे, बातें तो बहुत कुछ कहने को मन आज कह रहा हूँ, लेकिन मन बहुत ही व्यतीत, बहुत ही दुखी है आज। अब अभी मैंने कहा कि जिस बात के लिए लोग लड़ते झगड़ते हैं, आज एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आज पैगंबरों इस दूतों सबको लोगों ने बांट लिया, कितनी गिरावट आ गई इस धरती पर, मैं आज जो देखता हूं बहुत कष्ट होता है। ईश्वर, मैंने बताया कि जो ईश्वर चलना ही ईश्वर है, अंदर बैठे हुए, बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। भगवान भासे भूम गासे गगन, वासे वायु वाग में आ की मात्रा अग्नि, ना से नद छिद जल पावक गगन समीरा, और पंच रचितिया अधम शरीरा, पांच तो से ऊपर वाले भी बने, पांच तो से हमले। आप अच्छा काम कर जाओ तो आप नर से नारायण बन सकते हो। आज आप उठा के इतिहास देखेंगे, राम कृष्ण गौतम बुद्ध से लेके डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी से लेकर जितने भी लोग इस धरती पर आए, शरीर तो सबको छोड़ना है एक ना एक दिन, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाइए कि लोग याद रखें, क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम तो दशरथ जी के बेटे, सब में वही राम है। प्रभु श्री राम ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी, और करहू प्रणाम जोर जुग पानी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। प्रभु श्री राम ने भी कहा
कि सब मम प्रिय मम सब उपजाए और तिन मह मोह मनुज अति भाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, लेकिन मनुष्य उसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। कितना समता की बात उन्होंने कहा। आज कितनी इंसानियत गिरी उठी, आज ऊपर वाला देख नहीं पा रहा है, तबाही का मंजर चल रहा है। अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है, लोगों को विश्वास खत्म हो गया आज ऊपर वालों पर। हम मुसलमान भाइयों से भी अपने कहना चाहते हैं, मुसल्लम ईमान, पूरा एकदम मुसलमान, ईमान वाला मुसलमान का शब्द होता है ईमान वाला, हमारे यहाँ उसको कह सकते हैं हरिभक्त। जैसे प्रहलाद हमारे यहाँ सच्चे मुसलमान थे, कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंभे से भी निकल जाएंगे, उन्होंने कहा हाँ निकल जाएंगे, उस खंभे से भी निकल गए। आज किसी लोगों को ऊपर वाले पर अकीदा नहीं रह गया, मालिक का ध्यान और भजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ दुख दर्द काटने वाले वही हैं। आज जितने जांच हो रही है, जितने हो रहा है, लोगों कोरोना बीमारी दिखाई पड़ रही है, हम देख रहे हैं इस समय गरीबों में कम दिखाई पड़ रहा है, यह हकीकत है। बड़े ही लोगों में बीमारी ज़्यादा मिल रही है, आखिर में कोरोना से कुछ तो कारण है। इस कारण का मैं पता लगाने में शोध कर रहा हूँ अभी, कि अभी तक कोरोना के मैं ज़्यादातर पेशेंट बड़े ही लोगों में देख रहा हूँ, एसी में रहने वाले, महरों में रहने वाले, उन्हीं में ज़्यादा हम कोरोना बीमारी अभी तक, जो गरीब ठेला लगा रहा है उसमें बहुत कम मुझे दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जो दिन भर मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसको मैं कम देख रहा हूँ। लेकिन सावधानी तो रहना ही चाहिए, सावधानी सबको रहना चाहिए। शरीर से मेहनत करिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, प्रेम मोहब्बत से रहिए। ये समय बहुत ही बुरा चल रहा है और प्रेम मोहब्बत बहुत ही ज़रूरी है। गिरावट तो इस धरती पर बहुत है, लेकिन बहुत बहुत संत महात्मा ने क्या क्या कहा है उसको आप लोग पढ़ेंगे ही, मैं क्या अपने मुँह से कहूँ। मैं तो कभी भी, हम तो हमेशा प्रभु की ही बात करते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागा है मेरे। हमेशा संग राम नाम है, राम जी हमेशा संग मेरे रहते हैं, हमेशा उन्हीं के ध्यान में रहता हूँ, सच्चा अकीदा उन्हीं पर रहता है। आप लोग भी एकदम पूर्ण मालिक पर अकीदा करके भजन करिए, ध्यान करिए, घर में रहते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। आज श्याम देहाती जी से लेकर तमाम ऐसे लोग धरती से रोज देखेंगे आप न्यूज में कुछ ना कुछ डेली घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। कोरोना से तो उनकी पहली कुछ बीमारी थी कुछ ऐसा, हाँ लोग को अभी तो आवाज़ कोरोना का ये चल रहा है श्याम देहाती जी का, लेकिन हमको सुनने आया है तो उनके फेफड़े में पहले से ही इन्फेक्शन था और कोरोना तो इस समय चल ही रहा है, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिसको किडनी में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, कोरोना ज़्यादातर। बहुत लोग बेचारे भय से ही हार्ट फेल हो जा रहा कि कोरोना हो गया, तमाम लोग ऐसे भी मौतें हो जा रही हैं। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं, लड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ इस धरती पर आई, लोग लड़े इस देश के लिए, बीमारी ख़त्म हुई, ये भी ख़त्म होगा। बस ऊपर वाले पर अकीदा रखिए सब कुछ। और मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर संग्राम सिंह पटेल लिखता हूँ, तो होम्योपैथ में काफ़ी हमने अनुभव भी किया, बहुत ज़्यादा अनुभव किया, और तमाम पेशेंट हमने ठीक किया। मैं डॉक्टरी करता भी था, लेकिन मैंने कहा ना कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर, नाम करके जाना है। डॉक्टरी में मैं एक जिले तक एक उससे जगह तक सीमित रह सकता था, लेकिन आज धीरे धीरे उसी लाइन पे निकला हूँ। अभी तमाम हम आने वाले दिनों में अभी बता नहीं रहा, हमारी बहुत कुछ इच्छाएं हैं। अब ऊपर वाला मेरा साथ दे, पूरा उन्हीं पर अकीदा करके आज चला हूँ। जीरो से उन्होंने मुझे हीरो ज़रूर बनाया है, और आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो और भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन और आपको एक दवा मैं होम्योपैथ मेडिसिन अभी दिखाने भी जा रहा हूँ,
ये दवा जरूर सबको पिलवाइए घर में, हफ्ते हफ्ते 3 बार। अभी आ रहा, मैं उसको बता रहा हूँ। अभी मैंने कहा था कि आज मैं समता की बात करता हूँ। आज लोग देश, हर देश लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऊपर वाले ने क्या समता दिया है। अभी प्रभु श्री राम की हमने सारी बातें रखी कि उन्होंने एक शबरी का जूठा बैर खाए। शबरी मतलब एक बहुत नीच जात, अनुसूचित जात मानी जाती है, प्रभु श्री राम उसका जूठा बैर खाए और गिद्धराज जटायु को गले लगाए कि हमको उस मांस खाने वाले से भी घृणा नहीं करना चाहिए। आज जय शब्द आप उठा के देखिए कितनी समानता दिया है, 4 शब्द मंदिर में, 4 शब्द मस्जिद में, 2 शब्द काशी में, 2 शब्द काबा में, 3 शब्द नमाज में, 3 शब्द भजन में, जय शब्द कुरान में, तय शब्द पुराण में। क्या समानता है दिया है प्रभु ने। इंसान इंसान में जात पात चल रहा है। इस सृष्टि पर 2 ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष। नम हो जाइए आज, कहते नहीं थोड़ा नम हो जाओ, नम हो जाइए आज, पूरी खुदाई के सामने झुक जाइए, वही सच्चा नमाज है। और भाजन भावे जो जन को, जन माने मनुष्य, भावे माने अच्छा लगा, भावे जो जन को वही है भजन। 4 शब्द मंदिर, मन के अंदर जो दीवार बनाए हैं, मंदिर मन के अंदर जो आप दीवार बनाए हो, जात पात छुआछूत भेदभाव, उसको खत्म करिए तब मंदिर में जाइए। और मस्जिद, मस्जिद मस मतलब मसल्ला, और जिद माने घमंड, जो घमंड भरा हुआ है उसको खत्म करिए तब मस्जिद में जाइए। यह है सच्चा। सारे शब्दों को तोड़ा जा सकता है, शब्द ही ब्रह्म है। मोहम्मद, मोहम कर दे जो मद को, मोहम मतलब मार देना, मद मतलब घमंड, जो अपने घमंड को मार दे वही मोहम्मद। और हन कर दे जो मान को, हन्ना मतलब मार देना, मान मतलब घमंड, जो अपने घमंड को मार दे वही है हनुमान, वही है मोहम्मद। आज मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत कुछ बातें निकल रही थी इसी में, बहुत ही कष्ट कि लोगों को मैं आज देख रहा हूँ, पूरी दुनिया तबाही की तरफ है। मस्जिदों में है खुदा और मंदिरों में राम है, सच पूछो दोनों का एक ही नाम है। और शंख काशी में बजाया और की अजाक आप काबे में की, और आप ही हजरत बने और आप ही घनश्याम है। बहुत ही समानता है। अभी समय समता की जरूरत है, हम लोगों को लड़ने झगड़ने की नहीं, क्योंकि ऊपर वाला देख नहीं पा रहा है। आज अगर प्रभु इस धरती पर उतरना चाहें तो किस जात में जाएं? इतनी जातियां बट चुकी हैं कि किस जात में प्रभु जाएं उनको भी सोचना पड़ेगा। हिंदू के घर चले जाए तो मुसलमान नहीं मानेगा, मुसलमान के घर चले जाए तो हिंदू नहीं मानेगा, ब्राह्मण के घर चले जाए दलित नहीं मानेगा, दलित के घर चले जाए तो ब्राह्मण नहीं मानेगा, सिख के घर चले जाए ईसाई नहीं मानेगा, ईसाई घर चले जाए सिख नहीं मानेगा। बहुत कष्ट होता है, मैं बहुत शोध करता हूं इस चीज का, संग्राम नाम है। दो दो चीज मैंने बताया, संग्राम मतलब संघर्ष, और जिसके हमेशा प्रभु रहे संग, राम जी जिसके रहे संग। तो हर चीज पर मैं संघर्ष भी करता हूं, और किसके सहारे करता हूं? ऊपर वाले के, प्रभु श्री राम के। राम का सच्चा भक्त मैं, क्योंकि राम की बताए हुए आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। इसी नाते जात पात भाषा धर्म इस सबसे बहुत ऊपर हूं। हमारे यहां भंगी से लेकर जो सफाई करता है, गंदगी कर, साफ करता है, और चाहे पंडित जी हो, एक ही थाली और एक ही बर्तन में मेरे यहां खाना मिलेगा। हमारे यहाँ चौकी कुछ और चौका पे कुछ, ये नहीं होता है, क्योंकि मुझे नश्वरता का बोध है हमेशा 24 घंटा। सिर्फ नाम ही रह जाएगा यहाँ और कुछ ही नहीं रह जाएगा। आज नाम के नाते ये सब कर रहा हूं। अभी हमारा सिर्फ यही तक प्लान नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, ये कुछ है ना, एक्टर तो सब है यहाँ पे, और डायरेक्टर सिर्फ ऊपर वाला है जिसके डायरेक्शन में पूरी दुनिया चल रही है। ये सब तो हम लोग फिल्मी ड्रामा जो करते हैं वो अलग बात है, पर्दे पर। लेकिन हकीकत है कि सभी लोग इस धरती पर एक्टर हैं,
और डायरेक्टर सिर्फ ऊपर वाला है। इस बात का घमंड, घमंड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में बहुत बहुत एक्टीट्यूड भी देखता हूँ लोगों के अंदर। आज हमको कोई भी मोबाइल पर और उस पर करता है, मैं उसका जवाब देता हूँ, हाय हेलो सब कुछ, एक्टीट्यूड नहीं रहता। किस बात का घमंड भाई, अभी अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे हैं, दो मिनट में सब घमंड खत्म हो जा रहा है धरती से। टाटा बिरला डालमिया से लेकर सब अच्छे अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूँ। लखनऊ में ही देख रहा हूँ अखिलेश दास जी ने बहुत लंबा चौड़ा अपना साम्राज्य किया, चले गए। तो कुछ ऐसा काम करके जाओ कि नाम रह जाए। प्रभु श्री राम ने आधी अयोध्या को जब छोड़ा और 14 साल वनवास गए, तब प्रभु श्री राम हो गए। यहाँ बहुत राजपाठ कुर्सी से नहीं होता है, क्योंकि ये कलयुग है, मजबूरी है, थोड़ा सा अर्थ प्रधान युग है, जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। नहीं तो मैं एकदम सिर्फ नाम के लिए सब कुछ करने की इच्छा रहती है दिल में 24 घंटा। लेकिन अभी युग ऐसा है कि अभी पैदल चलूं, अभी फार्चूनर और सफारी और चार भगवान ने सब कुछ आज दिया ना चलूं। अभी एक बढ़िया जनता से भी आज मैं इस लाइव के माध्यम से आज बहुत चीज कहने का इच्छा हो रहा है, बहुत कुछ आज चीज़ें निकल रही है, अभी तक मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा था। आज जनता के बीच में भी कोई अच्छा आदमी वोट मांगने जाता है तो पैदल चला जाएगा, कहेंगे इसके पास तो है ही नहीं है कुछ, तो क्या चुनाव लड़ेगा। और 4 फार्चूनर और 8 असलहा अगर उतरता है, बहुत बड़ा नेता है। कोई एक साधारण बाबा आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने अगर जाए तो कहो थोड़ा सा उसको ला के दे दोगे, मैंने बहुत अगर कष्ट आया तो आप थोड़ा सा उसको राशन पानी दे दोगे। अगर कहीं 3-4 फार्चूनर से वही बाबा आ जाए तो आप लोग कहोगे बहुत बड़ा बाबा है, बहुत बड़ी अपने अंदर गलतियां हैं, गलतियां हमारे अंदर भी हैं। लेकिन मैं आज गलती होते हुए भी बहुत कुछ अच्छाइयां भी मेरे अंदर हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि भर भौकाल में आज जनता फंस गई है सब कुछ। इस नाते आज मैं बहुत कुछ इसी नाते कह रहा हूँ आप लोगों से, पता नहीं आज कैसे ऊपर वाले जैसा कह रहे हैं वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन दिल के अंदर आज बहुत कुछ ऐसा था कि आज हमने आप लोगों से बोला तमाम चीज। और आप लोगों का आदेश और मिलता रहेगा तो फिर बोलते रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान हमने अपने पिताजी से भी सीखा, बहुत कुछ उनसे सीख लिया, आज उन्हीं के नाते ये सब ज्ञान निकल रहा है। कोई ना कोई गुरु इस धरती पर मानना पड़ता है, तो हमारे इस अध्यात्म के गुरु मेरे पिताजी हैं। और मैंने अभी कहा था कि अब बहुत कुछ बोला हूँ, फिर आप लोगों का जैसा आदेश होगा फिर बोलते रहेंगे, बहुत चीज़ नई से नई चीज़ सुनाते रहेंगे हम इसी तरीके से, क्योंकि हमने भी बताया है कि प्रभु श्री राम ने जब आधी रात को अयोध्या वो छोड़ के जब 14 साल वनवास चले गए, तब वो प्रभु श्री राम हो गए। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को द्वारिका को छोड़ा, तब योगी राज भगवान कृष्ण हो गए। और गौतम बुद्ध जी जब पूरे राजपाट को लात मार दिया तब भगवान बुद्ध हो गए। तो कुर्सी से किसी का नाम नहीं होता है, जो त्याग पुरुष हुआ उसी का नाम हुआ है, त्यागी बनना पड़ता है। बनूंगा मैं भी, लेकिन अभी थोड़ा समय है, कलयुग का असर है, थोड़ा मजबूरी है, जनता नहीं स्वीकार करेगी। अभी सोशल मीडिया ना रहे और भी मीडिया ना रहे, लेकिन हम उस चीज़ को भी रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कि जब मोहम्मद साहब 5 शागिर्दों को लेकर इस्लाम धर्म बनाए, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, विचार था। और विचार आज इस्लाम 90 मुल्कों पर फैल चुका है, 90 मुल्कों में इस्लाम है। 5 शागिर्दों को लेकर उन्होंने इस्लाम धर्म बनाया था और आज 90 मुल्कों में इस्लाम है। एक विचार था, इस्लाम फैला। गौतम बुद्ध जी इसी धरती से सिद्धार्थ नगर से निकले और आज पूरे विश्व में उनके भी अन्यायियों की कमी नहीं है। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने संसाधन भी नहीं थे,
हवाई जहाज भी नहीं था, लेकिन विचार जो होता है वो फैलता है। तो जो कुछ भी बोला होगा, गलत भी बोला होगा, आप लोग क्षमा करिएगा। और कोरोना के लिए भी हमने कहा था कि मैं डॉक्टर भी हूँ कि ये इन्फ्लुएंजिनम, आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए, इस दवा को ज़रूर, ये कोरोना से बचाव के लिए ज़रूर आप लोग पूरे परिवार को, और हफ्ते में सिर्फ एक ही डोज देना है। जैसे अगर आज मंडे है तो मंडे टू मंडे 3 बार, मतलब हर मंडे को 3 बार तक देना है, बस 3 मंडे तक, 5-5 बूंद सबको पिलवाइए और विश्वास रखिए, प्रभु का भजन कीजिए और इस दवा इन्फ्लुएंजिनम को ज़रूर पिलवाइए सबको। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और आप लोगों की मांग सुन रहे हैं मौर्या जी भी, और बता रहे हैं कि चल रही है। तो अब आज जात पात पे भी बात कर रहा था मैं। मुसलमान भाई हैं हमारे, हिंदू भी है, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। बहुत लोगों को होता है कि हिंदू धर्म होता है, सनातन देवी देवता धर्म, सनातन देवी देवता धर्म हिंदू धर्म नहीं है। जो हिंद में निवास करे वो सारे लोग हिंदू हैं। मुसलमान भाई हमारे बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, अजीज हैं, मैं इनको कहता हूँ कि आप मुसलमान तो हम भी हैं, हमसे बढ़ के मुसलमान हो सकता हो आप ना हो पाए, क्योंकि मुसल्लम ईमान, उस मुसल्लम ईमान का मतलब होता है हरिभक्त, ईमान वाला, पूरा ईमान उस मालिक पर हो, 24 घंटा मुझे ईमान रहता है, सच्चा मुसलमान नहीं। सैयद भाई को भी अपने कह रहा हूँ, जो हिंद में निवास करे वो सारे हिंदू हो, हिंदू हैं वो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन देवी देवता धर्म है अपना धर्म। मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ इस चीज़ को। राम, प्रभु श्री राम का हमेशा उन्हीं के उस पर मैं बार बार उन्हीं का नाम इसी नाते लेता हूँ। बहुत जो पूरा रामचरितमानस पढ़ ले, बहुत ही कुछ सीख सकता है अपने जीवन में। हमने बहुत कुछ सीखा, जात पात खत्म किया अपने घर में, अपने रिश्तेदारों तक को कह दिया कि अगर जात पात चलाओगे तो रिश्तेदारी खत्म, किसी रिश्तेदार की हमारे हिम्मत नहीं है कि वो जात पात चला सके, मेरे घर में नहीं चला। इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्योंकि प्रभु श्री राम ने ही कहा है राम राज, आज बहुत लोग नेता राम राज की बात करते हैं, राम राज बैठे तिरलोका और हर्षित भये गए सब सोखा, और बैर न कछुकाऊ समदेही राम प्रताप विषमता को। राम के राजा बनने से सब खुश हो गए, चारों तरफ खुशी का माहौल, किसी से किसी का कोई बैर नहीं रह गया, चाहे वो शेर हो चाहे बकरी हो, एक ही घाट के पानी पीते थे, वो है असली राम राज। आ जाता है। लेकिन आज राम के भी आदर्शों पर चलने वाले नेता भी लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे नेता जो है वोट की राजनीति है, ये कहते नहीं कि लड़िया के आगे वोट लगा दो या गाड़ी के आगे वोट लगा दो, जब वोट का जहाँ राजनीति चल गया साला हर चीज रुक गया। वही कहते हैं हिंदू खतरे में मुसलमान खतरे में, तो वो सुन ले अच्छी तरह से, जो अटकाने वाले नेता है ना, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, सब मिल के बचा लो हिंदुस्तान खतरे में। सही है, बहुत बड़ा अपना देश है और इस देश में सारे लोग, हर मजहब के लोग रहते हैं सबको, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिससे लोग सीख लेते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, यहाँ का राजा जो होता था पूरे विश्व पे चक्रवर्ती सम्राट, जिसका चारों दिशाओं में शासन होता था। तो भारत एक ऐसा देश है
राम कृष्ण गौतम बुद्ध से लेकर तमाम नबी पैगंबर इस दूत प्रभु यहाँ इस धरती पर आए, इसी नाते आए। बहुत ही पावन धरती है अपना देश भारत देश, और एक पैगाम इसी तरीके से सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहें, यही हमारा पैगाम संदेश है। आपका बेटा ये चीज कह रहा है, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। अब देखिए हमारे अगर बात हमारी बुरी लगी हो तो हमको क्षमा करिएगा, और अच्छी लगी होगा तो आप लोग अपने प्यार और सब कुछ हम पढ़ेंगे, सबका लाइक कमेंट पढ़ेंगे, कौन हमको इतना मोहब्बत किया, प्यार किया, किसको हमारी बातें अच्छी लगी, तो हमको एक खुशी महसूस होगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग चल रहा है। आने वाले दिनों में हम, अभी तो हमारा इस साल का टाइम हमने फिल्म लाइन को दिया है, ईश्वर ने आज कैसा दिल लाया संग्राम भाई, इधर 9 दिन का व्रत है तो इधर 30 दिन का रोजा एक साथ आया, जब यही हमारे देश की एकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रमते हैं जो जान में, हर जान में जो रम रहे हैं वही है रमजान, कुल लहू अल्लाह कहा जाता है। हमारे यहाँ मलमास चलता है इसे, जैसे आपके यहाँ रमजान है, रमजान रमते हैं जो जान, रोजा जाके रो 11 महीने जो मतलब हम लोगों से गुनाह होता है वो 1 महीने का माफीनामा होता है, उसी को रोजा कहा जाता है। रोजा किसके सामने, रोज अपने अल्लाह के सामने। और मलमास, मल मतलब गंदगी, और मास माने महीना, गंदगी धुलने का महीना, मलमास का महीना अपने यहाँ आता है, 1 महीने का मलमास का महीना होता है। समानता ऊपर वाले ने दिया, बहुत कुछ संदेश देने का इच्छा कह रहा है, लेकिन अभी क्या बताऊं, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। और हम फिर इसी तरीके से हम लाइव आएंगे बहुत जल्द, एक चीज कल हम कुछ नई चीजें लेकर, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इसमें भक्ति भाव भजन यही, हम मारने वाला है बचवा भगवान और बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, इस समय एकदम पूर्ण विश्वास ऊपर वाले पर रखिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, और रक्षा जी मैंने बताया ना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग, दवा हमने आपको बताई दिया, फिर से बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंजिनम, इस दवा को 200 पावर में होम्योपैथ दुकान पर मिलेगा, इसको हमको एक एक खुराक 5-5 बूंद सबको पिलवाइएगा मंडे टू मंडे, अगर जो आज तो बहुत लोग ले नहीं पाएंगे क्योंकि आज तो लेट नाइट हो चुका है, कल आप लोग इसको मंगाइएगा हर दुकान से, इन्फ्लुएंजिनम, मैं अभी पोस्ट भी करवा देता हूँ उस पर, इन्फ्लुएंजिनम 200 में सब लोग ले लें, और एक एक खुराक सब मंगलवार 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 मतलब 3 मंगलवार को इसको पियेंगे, जो लोग मंगल को ले रहे हैं मंगल, अगर बुध को शुरू करते हैं मतलब एक ही खुराक सबको हफ्ते में एक बार लेना है, वो भी 3 हफ्ते तक, इस दवा को याद रखिएगा, ये तो दवा हमारी है, दया ऊपर वाले की होगी, बस उन्हीं पर मैं छोड़ता हूँ। राम भाई से एक चीज़ कहूँगा, जो हमारा देश की एकता और गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है हिंदू मुस्लिम की, उसके लिए हम और संग्राम भाई बहुत जल्दी एक बड़ा मंच बनाएंगे हिंदू मुस्लिम एकता का, और मैं संग्राम भाई से कहना चाहूँगा कि हमारी एकता को बहुत देखते हुए मैं एक गीत गाऊँगा, जो उसमें थोड़ा मेरा साथ दे दें, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हमी तो ख्वाब है, रुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, मालिको मालिको मजदूर के, नौकरो हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। अब दोस्तों कल हम विराज लेना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा, बहुत लोगों को नींद भी लग रही होगी,
और मैं फिर आप लोगों की अगर मांग रहे कि कल हम फिर लाइव रहेंगे, इस समय कोरोना काल है, घर में हम भी रह रहे हैं, आप भी रहिए, सेफ रहिए, यही हमारा वो है, स्वस्थ रहिए, ऊपर वाले से 24 घंटा यही मना रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। ये संग्राम भैया के जो है फेसबुक से लाइव आज हम लोग आए, अपने लाइव से नहीं थे, फेसबुक से संग्राम जी भैया के लाइव से, और बहुत दुख की बात है जो कृष्णा बिदर जी जो बहुत अच्छे एक रिक्स राइटर थे, वो श्याम देहाती जी थे, सॉरी, और हाँ माफ़ कीजिएगा, हाँ नाम थोड़ा सा, तो श्याम देहाती जी जो बहुत ही अच्छे राइटर थे और उनके पर लेकर आज लाइव आए थे संग्राम भैया, और बहुत ही दुख का है क्योंकि आज मैं अपने घर भी गया था तो साथ में मैं और संग्राम जी और सैयद जी और बबलू जी साथ में हम लोग गांव गए थे, गांव से वहां से लौटे तो मतलब लौटना नहीं था, हमको जाना था कहीं पे सेट पे जाना था कहीं पे का, और एक दो साइडें थी और उसके बाद में बड़ी दिक्कत था, तो अचानक इस बात को पता चला तो भैया बोले कि नहीं अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लखनऊ निकलते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री का चाहे जो भी हो एक परिवार है भोजपुरी अपनी इंडस्ट्री, तो उनके वजह से हम लोग बहुत दुखी था, तो अचानक डायरेक्ट में हम लोग कोई नहीं रुके, डायरेक्ट ना तो कहीं रास्ते में रुके, डायरेक्ट में हम लोग लखनऊ आके और फिर जो है बातचीत किए, और हम लोग सोचे कि इसका व्यक्ति संधारी हम लोग व्यक्त करें, और मैं साथ बबलू जी हैं, क्या कहना चाहेंगे। मन बहुत व्यथित था जैसा कि बताया, भैया के साथ में ही थे हम लोग, प्लान कई जगह था, कई जगह और मिलने भी जाना था, कई सेक्टर भी जाना था, गोंडा एक ही जगह पहुँच पाए मौर्या जी के घर पर, फिर वहीं पर पता चला, काफ़ी दुख हुआ, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और रिटर्न पर हम लोग वापस लखनऊ आ गए, फिर बैठ के चर्चा हो रही थी, फिर लाइव आए। चलिए आप लोग टेक केयर करिए, लॉकडाउन तो अभी क्या प्लान चल रहा है देखिए क्या होता है, और अच्छे रहिए, और भैया ने जो दवा बताया है आप लोग ले लीजिए। हेलो।